आज का वीडियो अगर आपने एंड तक देख लिया तो आई कैन गारंटी यू अगर आपको के फीवर हुआ है तो वो ऑन द स्पॉट उतर जाए। इंडियंस नॉट अलाउड, ऐसे बैनर्स सोल के ऑलमोस्ट हर क्लब्स के बाहर लगे हुए। इस्लाम एंड हिंदूज आउट, ऐसे बैनर्स स्पेसिफिकली कोरिया के दाइगू सिटी में काफी कॉमन है। ओह माय गॉड, ये क्या है? इस्लाम आउट, हिंदू भी लिखा है इसमें। अब ऑफ कोर्स सोल के कुछ क्लब्स या फिर बाकी सिटीज में ऐसे बैनर्स ना भी हो, फिर भी ये कोरिया की ग्राउंड रियलिटी है। अब मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। सोचो अगर आप कपड़े खरीदने जाते हो और दुकान में जाते ही जैसे आप कपड़े को छूते हो तभी ही वो दुकानदार तुरंत उठ के अपने कपड़ों को साफ करने लग जाता है, आपको कैसा लगेगा? वेल, कोरिया में इंडियंस के साथ ऐसा कई बार हो चुका है। Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dusted. Okay, I'm not buying. In fact, Indian ही क्या? साउथ कोरिया में 10 में से 7 फॉरेनर्स का ये कहना है कि उनके साथ साउथ कोरिया में कभी ना कभी रेसिज्म जरूर हुआ है। एक्चुअली बात ऐसी है कि ब्रिटिशर्स के बाद अब साउथ कोरियंस इंडियंस को अनटचेबल और इंटीरियर मानने लग गए। सेम